यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग। यस बेटा, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में निबंध, ठीक है, एक निबंध लिखवाएंगे। और आपको कैसे लिखना है, अपनी फेयर नोटबुक निकाल लीजिए। मैं आपके जो संकेत बिंदु है यहाँ पर लिख दूंगी और मैं बोलूंगी, ठीक है। बीच का जो विषय है वो मैं बोल दूंगी, फिर आपको लिखना है, ठीक। सभी ओपन कीजिए। आपका निबंध है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान एक वरदान। स्वच्छ भारत अभियान एक वरदान। अब इसके जो संकेत बिंदु है संकेत बिंदु, संकेत बिंदु है, मैं यहां पर लिखूंगी, फिर आपको लिखना है। यस, रेडी? हाँ, मैं बोलूंगी, आपको लिखना है, ठीक है। देखिए, आपका जो फर्स्ट संकेत बिंदु है वो है भूमिका, यानी कि इसमें क्या बताना है। भूमिका, भूमिका में लिखिए साफ और स्वच्छ वातावरण सबको अच्छा लगता है। साफ और स्वच्छ वातावरण सबको अच्छा लगता है। पूर्ण विराम, सभी चाहते हैं कि वे स्वच्छ, स्वच्छ होता है साफ, साफ परिवेश में रहे। चाहते हैं कि वे स्वच्छ परिवेश में रहे। बेटा, माइक ऑन मत करो, फिर आवाज नहीं आती है। वे स्वच्छ परिवेश में रहे। पूर्ण विराम, ऐसा कौन है। हाँ जी, सभी चाहते हैं कि वे स्वच्छ परिवेश में रहें। ऐसा कौन है जिसे गंदगी पसंद हो सकती है। ऐसा कौन है जिसे गंदगी पसंद हो सकती है। पूर्ण विराम, एक कुत्ता भी जहां बैठता है उस स्थान को पहले अपने पैरों से साफ। एक कुत्ता भी जहां बैठता है कोमा उस स्थान को
पहले अपने पैरों से साफ कर लेता है, पूर्ण विराम, फिर मनुष्य तो जीवों में मनुष्य तो जीवों जीवों में सर्वोत्तम सर्वोत्तम है। ठीक है, अभी करती हूँ। एक लाइन और लिख लीजिए, फिर मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। उसका स्वच्छता के प्रति, इसके बाद है उसका स्वच्छता के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। ठीक है, स्वाभाविक है, यानी कि जहां पर सफाई होगी तो उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होगा। यस बेटा, देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। साफ और स्वच्छ वातावरण सबको अच्छा लगता है, सभी चाहते हैं कि वे स्वच्छ परिवेश में रहें। कौन है जिसे गंदगी पसंद हो सकती है? एक कुत्ता भी जहां बैठता है उस स्थान को पहले अपने पैरों से साफ कर लेता है, फिर साफ 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 कर लेता है। फिर मनुष्य तो जीवों में सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम जीवों में सर्वोत्तम यानी कि सबसे उत्तम सबसे अच्छा है। उसका स्वच्छता के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। अब देखिए सेकंड सेकंड संकेत बिंदु, देश के विकास में स्वच्छता का योगदान। ठीक है, देश के विकास में स्वच्छता का योगदान, ये आपका सेकंड संकेत बिंदु है। ठीक है, सेकंड नंबर पे यस लिखिए। यस हो गए बेटा यहां तक। यस लिखिए, किसी भी मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति देखिए, सभ्यता और संस्कृति का पता उसके रहन सहन
और स्वच्छ वातावरण से चलता है। इस लाइन को फिर से रिपीट कर रही हूं मैं। किसी भी मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति का पता उसके रहन सहन और स्वच्छ वातावरण से चलता है। ये बेटा जो आप ज्वाइन कर रहे हैं, जहां से मैं बोल रही हूँ वहां से लिख लीजिए, ठीक है? और जो मैं बोल चुकी हूँ वो वीडियो देखकर कर लेना, मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगी, वीडियो से ही लिखना है आपको। लिखिए, यूरोप, यूरोप और अमेरिका, यूरोप और अमेरिका की पहचान उसकी स्वच्छता, सुंदरता और चमक दमक से मानी जाती है। चमक दमक से मानी जाती है। देखिए, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। यूरोप और अमेरिका की पहचान उसकी स्वच्छता, सुंदरता और चमक दमक से मानी जाती है। देखिए, भारत के लोग जब उन्नत उन्नत ये लिखिए, उन्नत यानी कि उन्नति वाले देशों में जाते हैं और वहां की उन्नत देशों में जाते हैं और वहां की स्वच्छता यानी कि सफाई को, स्वच्छता को देखते हैं तो उन्हें अपने देश पर शर्म आती है, शर्म आती है। नहीं, अभी और भी है, लिखो। विदेशी, लिखिए, विदेशी पर्यटक यानी कि घूमने वाले जो सैलानी होते हैं, विदेशी पर्यटक भी भारत की गंदगी, भारत की गंदगी अस्वच्छता
अस्वच्छता और भीड़ भाड़। को देखकर मुंह बनाते हैं, को देखकर मुंह बनाते हैं। इससे स्पष्ट है कि यदि भारत को विश्व के सामने, भारत को विश्व के सामने माथा या मस्तक भी लिख सकते हो, मस्तक ऊंचा कर, कहाँ चले गए तुम सारे? लिटिल कहाँ चले गए थे? फिर सारे गायब हो गए। यस लिखिए। तीसरा बिंदु है आपका संकेत बिंदु, अस्वच्छता के कारण। ये सेकंड में या थर्ड में? अच्छा, इससे स्पष्ट है कि यदि भारत को लिखिए, भारत को विश्व के तक ऊंचा करके खड़ा होना है तो उसे अपनी स्वच्छता और सुंदरता पर ध्यान देना होगा। एक तो ये माइक ऑन कर लेते हो आप सभी, एक बार में सभी के माइक ऑन हो गए थे तभी तो आवाज नहीं आई। माइक ऑन नहीं करना, हो गया? अब देखिए थर्ड, अस्वच्छता के कारण, यानी कि जो बेटा ये वीडियो से आप कर लेना, ठीक है? वीडियो देखकर कर लेना। अब यहां से लिखिए, थर्ड वाला लिखिए, अस्वच्छता के कारण, थर्ड लिख लीजिए, अस्वच्छता का सबसे प्रमुख कारण है स्वच्छता का सबसे प्रमुख कारण स्वच्छ कारण है स्वच्छता पर ध्यान न देना, स्वच्छता पर ध्यान न देना। पूर्ण विराम लगाइए, इसके बाद हो गए यहां तक सभी का। अब आगे लिखिए, स्वच्छ और सुंदर बनने के लिए निरंतर प्रयत्न किया जाता है, यानी कि लगातार प्रयास किया जाता है, निरंतर यस।
प्रयत्न किया जाता है। साफ रहने का यह संस्कार अपने घर से, साफ रहने का यह संस्कार अपने घर से आता है। हो गया यस हो गया बेटा यहां तक। जो व्यक्ति, देखो, जो व्यक्ति अपनी वस्तुओं को साफ करके एक व्यवस्था से रखता है, वह व्यक्ति अपने नगर, घर, विद्यालय और सड़कों तथा गलियों को भी स्वच्छ रखता है। यस, लिखिए। जो व्यक्ति अपनी वस्तुओं को साफ करके एक व्यवस्था से रखता है, वह व्यक्ति अपने घर, नगर, विद्यालय और सड़कों तथा गलियों को भी स्वच्छ रखता है। इसके विपरीत, जिसे स्वयं साफ रहने की, जिसे स्वयं साफ रहने की आदत नहीं है, वह बस, रेल और जो व्यक्ति इसके विपरीत, जिसे स्वयं साफ रहने की आदत नहीं है, वह बस, रेल और सड़कों को भी गंदा करके चलता है, गंदा करके चलता है। ऐसे ही लोग गलियों और सड़कों में यहां वहां थूकते, ऐसे ही लोग गलियों और सड़कों पर, लिखो, सड़कों पर जा यहां वहां थूकते और गंदा करते हैं, गंदा करते हैं। किसी भी समाज की स्वच्छता, किसी भी समाज की स्वच्छता
आदत उनके सार्वजनिक, ये लिखिए सार्वजनिक कार्यक्रमों सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखकर ज्ञात होती है। ज्ञात होती है, ज्ञात होता है पता चलना, ज्ञात होती है। यस, एक लाइन और लिख लीजिए फिर। लिखो, लोग खाना पीना करके, खाना पीना करके जूठन जूठन को इधर उधर फेंक देते हैं, फेंक देते हैं। यदि किसी नगर में सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक ये लिखना है शौचालय, शौचालय नहीं है तो लोग इधर उधर गंदगी ही करेंगे, गंदगी ही करेंगे। ये बेटा यहीं तक लिखना है, ठीक है? और जो बचा हुआ है वो मैं, हाँ जी, नहीं इसमें अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, वो मैं कल करवा दूंगी, ठीक है? अब आपका टाइम भी हो गया है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, एक लाइन बची है इसमें। हाँ लिखो, यदि घर में शौचालय नहीं है, यदि घर में शौचालय नहीं है तो लोग खुले में शौच करेंगे, शौच करेंगे, ठीक है? बस ये लास्ट लाइन है आपकी। अब आपका जो फोर्थ और फिफ्थ, ये कल मैं करवा दूंगी, ठीक है? यस बेटा, डन सभी का, ठीक है? अब आपका टाइम भी हो गया है, चलो लीव कर दो क्लास, लीव कर दीजिए। डालूंगी, कल आ जाएगी आपके पास, ठीक है?